ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो है श्रीलंका के एक पेट्रोल पंप का, जहां एक आर्मी ऑफिसर अपने बूट से एक नागरिक को मार रहा है बेरहमी से। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल लेने गया था। इसी सेना को सिर आंखों पर बिठाकर लोगों ने न जाने क्या क्या कहा था उस वक्त, आज वही सेना इन्हें जूतों से मार रही है। क्योंकि श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं, अगले एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल्स पहुंचने के लिए पेट्रोल नहीं है। जी हां, स्कूल बसों में बिठाकर टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं पहुंचाया जा सकता। हालात इतने खराब हैं दोस्तों, देश अंदर से बिखर रहा है। एक एक करके तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है। यह है तस्वीरें उन लोगों की जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को हटाने की मांग कर रहे हैं। महिंदा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्हें पहले ही हटाया जा चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज लंका की जो बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार ये शख्स और महिंदा राजपक्षे हैं। इतनी बुरी हालत है इस वक्त श्रीलंका की दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज मंगलवार है और शुक्रवार से पहले फ्यूल नहीं पहुंचने वाला है, तेल नहीं पहुंचने वाला है, और वो भी विदेशी जमीन से आ रहा है शिप्स में लादकर। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड न्यू फ्यूल स्टॉक्स एंड द फर्स्ट शिप विथ 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ डीजल इज एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन फ्राइडे। यानी कि फ्राइडे को 40,000 टन फ्यूल जो है, मेट्रिक टन फ्यूल जो है, वो पहुंचने वाला है। उससे पहले अगले 5-6 दिन श्रीलंका में हालात बद से बदतर होने वाले। हालात इतने खराब हैं कि इन्हें स्कूल्स को बंद करना पड़ा है। यही नहीं दोस्तों, खबर आगे क्या कहती है, कई और शिप भी आने वाली हैं। उनका यह कहना है कि गैसोलीन से लदी पहली शिप जुलाई 22 को आने वाली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त श्रीलंका की क्या बुरी हालत है। श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है दोस्तों कि वो दूसरे देशों से तेल का कर्जा ले रहा है, और नतीजा यह है दोस्तों कि इस वक्त उस पर तेल का कर्जा है करीब 800 मिलियन US डॉलर्स। इस आंकड़े पर देखिए, यह बहुत ही खौफनाक और खतरनाक आंकड़ा है, 800 मिलियन US डॉलर्स। खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनके जो ऊर्जा मंत्री हैं विजय सेखरा, उन्होंने कहा है श्रीलंका ओड अबाउट $800 मिलियन टू 7 फ्यूल सप्लायर्स। श्रीलंका को करीब 7 देशों को $800 मिलियन देना है, वो भी सिर्फ तेल को लेकर जो कर्जा है। और यह दिक्कत क्यों पेश आ रही है आपको समझना पड़ेगा। यह दिक्कत इसलिए भी पेश आ रही है क्योंकि इस वक्त श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है। हो क्या रहा था दोस्तों, जो श्रीलंका विदेशों में बसे हुए हैं, इससे पहले वो विदेशी डॉलर्स भेजा करते थे, जिसे हम फॉरेन रेमिटेंसेस कहते थे। उसमें 50% गिरावट आई है। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, विजय सेकरा सेड वर्कर्स रेमिटेंसेस विच यूजली स्टूड एट $600 मिलियन पर मंथ हैड डिक्लाइंड टू $318 मिलियन इन जून। सिर्फ जून के महीने में फॉरेन रेमिटेंसेस यानी कि विदेशों से आने वाले डॉलर्स, जो पहले $600 मिलियन हुआ करते थे, अब $318 मिलियन हो गए हैं। और विदेशी कर्जा लगातार श्रीलंका पर बढ़ रहा है। ऊपर से इन तस्वीरों पर निगाह डालिए, किस तरह से वहां का नागरिक बेबस है, किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहा है। उसके पास गाड़ी में भरवाने के लिए तेल नहीं है, बाजारों में सब्जियां नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है। वो इस बदतर हालात में जी रहा है दोस्तों। ये है श्रीलंका की मौजूदा हालत। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कितना विदेशी कर्ज है उन पर। द गवर्नमेंट सेड इट वॉज ऑल्सो नेगोसिएटिंग विद सप्लायर्स इन रशिया एंड मलेशिया। श्रीलंका हैज सस्पेंडेड रीपेमेंट ऑफ अबाउट $7 बिलियन इन फॉरेन लोन्स ड्यू दिस ईयर आउट ऑफ $25 बिलियन टू बी रीपेड बाय 2026। द कंट्रीज टोटल फॉरेन डेट इज $51 बिलियन। 51 अरब अमरीकी डॉलर्स ये है उस पर विदेशी कर्जा। इस हालत से वो गुजर रहा है दोस्तों। श्रीलंका को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इन हालात से कैसे निकले। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, वो अपने नागरिकों को खाना नहीं खिला पा रहा है,
वो अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल नहीं भर पा रहा है। यह हालत हो गई इस देश की। और जैसा कि मैंने आपको बार बार पहले भी कहा है, श्रीलंका भी वही मॉडल फॉलो कर रहा था जो काफी हद तक हमारे देश में फॉलो किया जा रहा है। वही नफरती सियासत, वही माइनॉरिटीज पर हमला, वही असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना और आपके सामने परिणाम है। मैं जानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीलंका जैसी हालत भारत की नहीं होगी। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों, क्योंकि भारत के अंदर जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं ना, उनका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो किसान हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। श्रीलंका के साथ हमेशा से दिक्कत ये रही है कि वो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर निर्भर करता था। कोरोना आया, उसने उसकी कमर और तोड़ दी, और इसके अलावा उसने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया। भारत में भी क्या हो रहा है, असली मुद्दों पर तो चर्चा होती नहीं है। ले देखिए, वही कचरा, वही हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, वही जहर। और इस सरकार से आप और हम बेरोजगारी पर सवाल नहीं करते हैं, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं करते हैं। और जब सरकार इन मुद्दों पर कटघरे में नहीं होगी तो भविष्य में देश की हालत बिगड़ सकते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे हालात ना हो, मगर आपके सामने श्रीलंका की हालत है। वो जो वीडियो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया था, किस तरह से एक आर्मी ऑफिसर बूट से एक नागरिक को मार रहा था, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उस नागरिक का क्या दोष था? वो भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना चाहता था, वो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना चाहता होगा, वो अपने घर से दुकान जाना चाहता होगा सब्जी खरीदने, अपने घर में अपने बच्चों अपने परिवार को रोजी रोटी खिलाने। और उसे मिल क्या रहा है, उसे बूट्स मिल रहे हैं, उसे जूते मिल रहे हैं। यह नियति हो गई है वहां की जनता की। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी नियति हमारी कभी ना हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।